क्योंकि दरअसल कोडागु जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में 32 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें इसमें 10 छात्र हैं, 22 छात्राएं हैं। संक्रमण की चपेट में आने वाले सभी स्टूडेंट 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से 10 छात्र में संक्रमण के लक्षण नजर आए, जबकि 22 में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे। साथ ही स्कूल का एक एम्प्लॉय भी कोरोना संक्रमित हुआ है। तो संक्रमित होने वाले में 10 छात्र 22 छात्राएं थी और स्कूल का एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हुआ है। एक तरफ जहां भारत में कोरोना के आंकड़े कम आ रही हैं और एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर कर्नाटक की है वो डराने वाली है। बिल्कुल, खास तौर पर आपको बता रहे हैं क्योंकि कई देशों के अंदर हम देख रहे हैं कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। रूस का जिक्र करें, चीन का जिक्र करें या फिर कई अन्य देशों के अंदर, और लॉकडाउन भी लग रहा है। लेकिन भारत की स्थितियां बेहतर हो रही थी, लेकिन उस बीच कर्नाटक से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहाँ पर विस्फोट हुआ है एक स्कूल के अंदर, और स्कूल में कोरोना का विस्फोट